हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके इस चैनल में स्वागत है। देखिए, हम करने जा रहे थे, पिछले वीडियो में हमने करा पॉजिटिव ऑपरेटर के बारे में। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए जिसमें एक आइडेंटिटी ऑपरेटर था एंड दूसरा क्या था, जीरो ऑपरेटर। अब हम करने जा रहे हैं उस पे बेस्ड एक थ्योरम, उस डेफिनेशन पे बेस्ड। क्या कहा जा रहा है थ्योरम में? कोई भी आर्बिट्ररी ऑपरेटर दे दिया। आर्बिट्ररी ऑपरेटर का मतलब फिक्स नहीं है, किसी भी तरीके का ऑपरेटर। ऑपरेटर सिंगुलर हो सकता है, नॉन सिंगुलर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसमें आपको शो करना है कि जो टी टी स्टार है, टी का और उसके स्टार का जो प्रोडक्ट है, एंड टी स्टार टी का प्रोडक्ट। देखो, ये अलग अलग क्यों है दोनों? आपने पढ़ा होगा, जब आप मैट्रिक्स पढ़ते हो, मैट्रिक्स पढ़ते हो ना, उसमें जरूरी नहीं है ना कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल आए हमेशा। जरूरी नहीं होता, आइडेंटिटी में आता है, जीरो में आता है। लेकिन बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जांपल्स भी तो हैं जिनमें ए और बी दो मैट्रिक्स लो आप, स्क्वायर मैट्रिक्स। उनको स्क्वायर नहीं, कोई भी ऐसी मैट्रिक्स, कन्फर्मेबल मैट्रिक्स, मतलब जिन दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर पाओ, उन दो मैट्रिक्स को लो एंड आप देखो, तो आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनमें वो दोनों इक्वल नहीं होते। इसीलिए यहाँ इन दोनों को अलग अलग लिया गया। टी टी स्टार किसी किसी केस में टी स्टार टी के इक्वल हो भी सकता है, और किसी किसी केस में टी स्टार टी के इक्वल नहीं भी हो सकता। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग लिखा मैंने कि वो वाला केस भी आ जाए जिसमें इक्वल नहीं होंगे, इसलिए अलग अलग लिखा। उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव ऑपरेटर्स होंगे एच पे, उसको हमें शो करना है। अब करते हैं प्रूफ। देखो, डेफिनेशन पे जाओ। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट वर्ड ही क्या लिखा था, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ये सेंटेंस था ना मेरा फर्स्ट, ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यानी कि जिस भी ऑपरेटर को आप चेक करोगे कि वो पॉजिटिव ऑपरेटर है या नहीं, वो उसको सबसे पहले आप क्या देखोगे, सेल्फ एडजॉइंट है या नहीं। अगर वो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट आ जाता है तो आप काम करोगे आगे, और अगर वो ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट नहीं आता है तो उसने डेफिनेशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, वो कभी भी पॉजिटिव ऑपरेटर नहीं बन सकता, आप वहीं रुक जाओगे। हो गया। अब देखो, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये जो दो ऑपरेटर्स आपको दिए हुए हैं, दो ऑपरेटर्स की जो प्रोडक्ट आपको गिवन है, क्या वो सेल्फ एडजॉइंट है। उसके लिए क्या करना होगा, इस ऑपरेटर को चेक करो सेल्फ एडजॉइंट है यानी इसका स्टार इसी के इक्वल होना होगा। करते हैं, देखो ए बी की थीटा मैट्रिक्स में बी थीटा ए थीटा ऐसे ओपन होती है ना, तो करो इसको भी यहाँ ऐसे ओपन। टी स्टार का स्टार इंटू टी स्टार, देखो क्या आएगा, टी स्टार का स्टार क्या है, टी मैंने आपको कहा था किसी भी ऑपरेटर पे डबल स्टार लगाओगे वो खुद उसी के इक्वल आ जाएगा। आ गया, ये हो गया टी टी स्टार का स्टार टी स्टार के इक्वल है, दैट मीन्स टी टी स्टार इज सेल्फ एडजॉइंट। ये तो आ गया जी। अब चेक करो दूसरे वाले को, क्या टी स्टार टी सेल्फ एडजॉइंट है। देखो टी स्टार टी क्या होगा, ओपन करोगे टी का स्टार इंटू टी स्टार का स्टार, टी का स्टार एज इट इज, टी स्टार का स्टार क्या होगा, टी आएगा ना, टी स्टार टी का स्टार टी स्टार टी के इक्वल है। यहां से क्या आ गया, टी स्टार टी इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। अभी इसने डेफिनेशन को जो डेफिनेशन थी उसकी जो नेसेसरी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर दिया इसने कि ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट होने चाहिए। उसके बाद देखो अब आगे काम करते हैं, आपको इसको क्या शो करना है कि पॉजिटिव ऑपरेटर होगा। देखो क्या थी डेफिनेशन, टी एक्स कोमा एक्स, मैंने फोर एक्स एक एलिमेंट उठाया हिल्बर्ट स्पेस एच से, क्या था टी एक्स कॉमा एक्स की इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ये शो करना था। करो शो, पहला क्या उठा रहे हो आप, टी टी स्टार उठा रही हूं मैं पहला, ठीक है। इस टी स्टार टी को इधर शिफ्ट करो, अपने स्टार के साथ इधर आएगा। 1 मिनट भी अगर आप ध्यान से देख लोगे, उसी में पूरा जो जितने भी मिनट की वीडियो है ना, वो सारी सिर्फ 1 मिनट ध्यान से देखने में समझ में आ जाएगी। इसको इधर शिफ्ट कर दो, टी स्टार एक्स इधर ही रखा मैंने, इसको जब इधर शिफ्ट करूंगी अपने स्टार के साथ शिफ्ट होगा। अब इसको क्या कहते हो आप लोग,
नॉर्म ऑफ टी स्टार एक्स का स्क्वायर, ये तो आप जानते हो। अगर टी इसकी इमेज जीरो आई तो इक्वल टू जीरो, वरना ये क्या होगा, नॉर्म होने की वजह से पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब यही थी ना आपके पास, पॉजिटिव ऑपरेटर की डेफिनेशन बन गया, टी टी स्टार क्या आ गया, पॉजिटिव ऑपरेटर आ गया, टी टी स्टार इज पॉजिटिव ऑपरेटर। दूसरा ऑपरेटर फॉर एक्स बिलोंग्स टू एच, दूसरा ऑपरेटर क्या है आपके पास, टी स्टार टी की एक्स पे, ये है आपके पास। अब देखो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे हम, क्या करेंगे, इस ऑपरेटर को इधर ले आओ। जब आप इस ऑपरेटर को इधर लेकर आओगे, यहाँ बचा टी एक्स, टी स्टार ये है, इसको इधर लेकर आई तो इस पे एक स्टार और आएगा, एंड टी स्टार ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या होती है, सेम होती है। मैंने ये वाली चीज लिख दी, लिख सकती हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑपरेटर का डबल स्टार वो खुद के इक्वल होता है, कर दो आ गया। फिर वही कहानी आ गई, देखो इसको क्या लिख सकती हूँ, ये लिख दूं, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, तो ये आते ही पॉजिटिव ऑपरेटर की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, तो टी स्टार टी भी आपका क्या बन गया, पॉजिटिव ऑपरेटर। बस यही था इसमें, थैंक यू।